बटरफ्लाई थी और इतनी सॉफ्ट ग्रास थी और बहुत ब्यूटीफुल था गार्डन। बच्चे उस गार्डन को देख के बहुत खुश हो जाते थे, वो गार्डन इतना ब्यूटीफुल था ना। बट वो गार्डन एक जायंट का था और वो जायंट 7 ईयर से अपने फ्रेंड के साथ रह रहा था। अब अचानक क्या हुआ, जाइंट अपने गार्डन में वापस आ गया। और जिस टाइम वो वापस आया था, सभी बच्चे गार्डन में खेल रहे थे। जाइंट ने बच्चों को देखा और बहुत गुस्सा हो गया। बच्चे बहुत ज्यादा डर गए। जाइंट ने बच्चों को बोला, This is my garden. और उस जाइंट ने एक दीवार बना दी जिससे कोई बच्चा अंदर ना आ सके। और दीवार पर उस जाइंट ने लिख दिया, जो भी इस दीवार को क्रॉस करेगा मैं उसे मार दूंगा। अब उसके गार्डन में कोई बच्चा नहीं आ सकता था। मौसम बदल गया, गार्डन के बाहर तो स्प्रिंग सीजन आ गया, लेकिन अभी भी गार्डन के अंदर विंटर सीजन। गार्डन के बाहर फूल ही फूल थे, लेकिन गार्डन के अंदर एक भी फूल नहीं था। और गार्डन में कोई फ्रूट नहीं था, कोई बर्ड नहीं था, सिर्फ ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहती थी। इसका फ्रेंड्स रीजन क्या था? क्योंकि जाइंट सेल्फिश था। जाइंट सिर्फ अपने बारे में सोचता था, उसने बच्चों को खेलने की भी परमिशन नहीं दी थी। अब एक दिन क्या हुआ, एक दिन दीवार के अंदर छोटा सा होल हो गया। उस होल में से कुछ बच्चे गार्डन में खेलने के लिए आ गए। उस जाइंट पर जाइंट सोया हुआ था। और जैसे ही बच्चे आए उस गार्डन में, बर्ड्स भी आ गए, फ्लावर भी खिल गए, स्प्रिंग सीजन भी आ गया। सब बच्चे बहुत हैप्पी थे, लेकिन गार्डन के एक कॉर्नर पर अभी भी फ्लावर्स नहीं खिले, अभी भी स्प्रिंग सीजन नहीं आया, वहां अभी भी विंटर्स ही थी। अब जाइंट उठता है और वो देखता है सब कुछ ग्रीन हो गया, फ्लावर्स ब्लूम हो गए, स्प्रिंग सीजन भी आ गया। लेकिन एक कॉर्नर अभी भी ग्रीन नहीं था। जाइंट अपनी जगह से उठता है और बच्चों की तरफ जाता है। अब बच्चे डर जाते हैं, लेकिन जाइंट उस कॉर्नर पे जाता है जहां ग्रीन नहीं था और वहां एक बच्चा रो रहा होता है। अब जाइंट उस बच्चे को उठाता है और पेड़ पर बिठा देता है।
वजह से गार्डन में स्प्रिंग सीजन आया है। तब जाइन बच्चों को कहता है, तुम यहाँ गार्डन में खेलने आ सकते हो। अब वो बच्चे डेली गार्डन में खेलने आते हैं। और कुछ इयर्स के बाद वो जाइन बूढ़ा हो जाता है, ओल्ड हो जाता है। जब सब बच्चे गार्डन में खेल रहे होते हैं, तब जाइन उसी छोटे बच्चे को एक बार फिर देखता है। वह उस छोटे बच्चे के पास जाता है और वो देखता है कि उस छोटे बच्चे को चोट लगी हुई है। फिर जाइन उस बच्चे से कहता है, मुझे बताओ ये चोट तुम्हें कैसे लगी। तब वो छोटा बच्चा कहता है, नहीं नहीं मुझे तो किसी ने नहीं मारा। बच्चा कहता है, क्या तुम मेरे साथ मेरे गार्डन में चलोगे। जाइन कहता है, हाँ मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे गार्डन में चलूंगा। जब दूसरे बच्चे गार्डन में खेलने आते हैं, तब वो देखते हैं कि जाइन की डेड बॉडी जमीन पर पड़ी थी और वो पूरी फूलों से ढकी हुई थी। तो फ्रेंड्स, वो जो छोटा बच्चा था वो जाइन को पैराडाइज में ले गया, मतलब स्वर्ग में ले गया। था गार्डन में खेलने दिया था, इसलिए भगवान उसे स्वर्ग में ले गए। सो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी, सेल्फिश जाइन? अगर अच्छी लगी सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, गिव अ बिग थम्स अप टू आवर वर्क फॉर टुडे।